मैं एक्टर या सिंगर बनना चाहता था। मैंने होटल में जाकर गाया भी है, पर मेरी माँ कहती थी कि मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना में से जाने नहीं दूंगी। इसी कारण आज मैं पास्टर हूँ। पर शुरुआत में मैं एक हीलिंग मिनिस्ट्री यानी चंगाई वाली चर्च चाहता था, पर मैं नहीं जानता था कि ये कब होगा। पर मैं एक दिन सभा कर रहा था, सभा बस ख़त्म होने वाली थी कि मैं आखिरी प्रार्थना कर रहा था, तभी मेरे मन में आया, तभी मैंने अपने आप को यह कहते सुना, परमेश्वर एक व्यक्ति को जिसका पैर का पंजा बड़ा है, तभी मेरी हड्डी भी छपकने लगी, कहूँ धड़कने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। मैं अपनी आँखें खोली तो मैंने कहा अपने आप से कि मैंने ये क्यों कहा। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था कि आपको मेरे पैर के पंजे के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वह तो टूटा हुआ था, मैंने एक्सरे भी करवाया था। जब मैं आपकी सभा में आया था तो आपने कहा था परमेश्वर उस व्यक्ति को ठीक कर रहा है जिसका पैर का पंजा बड़ा है। तो उस सभा के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो देखा कि अब सब कुछ ठीक है, कोई हड्डी नहीं टूटी। डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या किया, उसने कहा मैंने अपने आप कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब मेरे साथ मेरी पत्नी काम करती थी, जो आज भी करती है, जिसका नाम लेंजी है। उसने मेरी तरफ़ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी शुरुआत है चंगाई सभा की, या कहूँ हीलिंग मिनिस्ट्री की। मैंने कहा ये पंजा, मैं आपको कहना चाहता हूँ छोटी शुरुआत से घृणा ना करें। अप्रैल 1980 में मैं मेक्सिको के अल्बकर्की में सभा कर रहा था, जहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आए और ठीक हुए, वहाँ लंगड़े चले, अंधों ने देखा और बीमार ठीक हुए। मैं 10 देशों में जाकर प्रचार कर चुका हूँ। एक बार मुझे सेलवेंडर के राष्ट्रपति ने आमंत्रण दिया था कि मैं प्रचार करने आऊँ। हमारी सभा में लाखों लोग आए और ठीक हुए। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं टैक्सी में कहीं जा रहा था, मेरी टैक्सी के ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा ज़रूर, तुम उन्हें चर्च में ले आना। उसने कहा मेरी माँ बहुत दूर रहती है, मुझे यहाँ से जाने में 6 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा तुम फ़ोन पर बात कराओगे। तो मैंने फ़ोन पर प्रार्थना की और उसकी माँ का 10 सालों की रीढ़ की हड्डी का दर्द चला गया। क्योंकि आप भी जानते हैं परमेश्वर अपने शब्द को भेजकर आज़ाद करता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मेरे पिता कहते थे कि अपनी प्रार्थना को एक फ्लो में रखो। मैंने देखा है कुछ लोग गैर भाषा तब बोलते हैं जब वो ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत उदास, पर आपको तो हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ और आत्मा से भी। अगर आप गैर भाषा बोलते हैं, जब आप गैर भाषा बोलते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से होकर परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना को लेकर जाता है, तब आपको जो कुछ मांगते हो आपको मिलता है। जब आप गैर भाषा बोलते हो, उसे बोलने के बाद जो पहली चीज़ आपके मन में आती है उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं कैलिफोर्निया में था, मैं वहाँ प्रचार कर रहा था, वहाँ 4,000 लोग आए हुए थे और मैं प्रचार कर रहा था। तभी मैंने एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी। मैंने कहा यहाँ कुत्ता कौन लेकर आया है, पर मैंने देखा वह एक आदमी था जो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, जिसके मुंह से लार टपक रही थी और वो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने मेरे पास खड़े पास्टरों से कहा
क्यों ना किसी को इसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी परमेश्वर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। परमेश्वर ने कहा, क्यों ना तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें यीशु का नाम दिया है जो स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपनी उंगली उसकी तरफ करके कहा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूँ और सुखी और सुनसान जगह पर जाने का हुक्म देता हूँ। तभी वो व्यक्ति होश में आया और उसकी लार जो मुंह से टपक रही थी वो सूख गई। तब परमेश्वर ने मुझे कहा, लोगों को आगे बुलाओ ताकि वो मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तब मैंने परमेश्वर से कहा, मैं प्रचार के बीच में हूँ। पर परमेश्वर ने कहा, बुलाओ। तब 1000 व्यक्ति आगे आए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था दुष्ट आत्मा को निकलते हुए कि कैसे वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। आखिरी बात, विश्वास आपको एक लघु परिणाम नहीं देता, उसमें समय लगता है। वह एक दिन ले सकता है, 2 दिन ले सकता है, 5 दिन या 10 दिन ले सकता है, पर वो परिणाम जरूर देगा। मैं आपको अपने पिता के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। 1960 के बाद वे गैर भाषा बोलने लगे थे और काफ़ी समय बोलते थे। मेरी माँ को लगता था कि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो 2000 साल पुरानी चीज़ है, ये शुरुआत के लक्षण थे। पर बाद में मेरी माँ को समझ आ गया था कि गैर भाषा बहुत ज़रूरी है। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर, उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।